नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसके लिए बीता साल अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काफी विनाशकारी रहा है। 2022 के अप्रैल महीने में इमरान खान को सत्ता से हटाया गया था और इस सियासी उठापटक की वजह से मौजूदा आर्थिक संकट बढ़ गया है। वर्तमान में देश का एक वर्ग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान में लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है। यह वो तबका है जो मदरसा मुल्क में मुल्ला तंत्र को लोकतंत्र के रूप में देखकर गधैया नृत्य करता है। पाकिस्तान अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज की मांग कर रहा है, लेकिन कई महीनों से किए जा रहे प्रयास अब तक असफल साबित हुए हैं। इमरान खान को पहले सत्ता से हटाया गया और फिर सत्ता वापस पाने के लिए उन्होंने देश भर में आंदोलन की अपील की। उसके बाद उनके समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों ने देश में गंभीर संकट पैदा कर दिया। मुल्ला तंत्र के संदर्भ में हालात तब और भी खराब हो गए जब 9 मई को इमरान खान को इस्लामाबाद भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के विरोध में जाहिलों ने सेना के ठिकानों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर अपना गुस्सा निकाला था और इमरान खान की रिहाई की मांग की थी। इस घटनाक्रम ने सेना को जनता के बीच अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने का मौका दे दिया है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बाजी पलट गई है और इमरान खान बैकफुट पर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेताओं, उनके समर्थकों और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया है। उनकी गिरफ्तारी की गई है और मुकदमा चलाया गया है। अभी इनमें से कुछ लोगों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा भी चलने वाला है। यानी विपक्ष सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ खड़ा है और सरकार शीर्ष अदालत के साथ उलझी हुई है। अंत इस मदरसा मुल्क का क्या होगा किसी को भी नहीं पता है। पिछले साल अप्रैल में इमरान खान के सत्ता से हटने तक GDP 6% थी, जबकि चालू वित्त वर्ष में देश की GDP वृद्धि दर घटकर 0.6% तक रहने का अनुमान है। पिछले साल आई विनाशकारी बाढ़, भुगतान देश संकट और सियासी उथल पुथल ने मौजूदा स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है और इस साल भी बाढ़ का खतरा पाकिस्तान पर लगातार मंडरा रहा है। कल खैबर पख्तूनख्वा में आई बाढ़ में 28 जाहिल हूरों की तलाश में निकल गए। यानी पाकिस्तान की मुसीबत फिर से बढ़ने का अंदेशा है। साल 2019 में पाकिस्तान ने IMF से 6 अरब 50 करोड़ डॉलर का बेल आउट पैकेज हासिल करने के सौदे पर दस्तखत किए थे। इस सौदे की 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त पाने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। हाल ही में स्टेट बैंक को पाकिस्तान ने बताया था कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 4 अरब 19 करोड़ डॉलर रह गया है। जानकारों का अनुमान है कि यह धनराशि मुश्किल से एक महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने बीते दिनों इशारा किया था कि 30 जून को IMF प्रोग्राम बिना आगे बढ़े खत्म हो सकता है। हालांकि विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के कगार पर नहीं है। पर यह भी सच है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो या ना हो, मदरसा मुल्क की अर्थव्यवस्था पहले ही चरमरा चुकी है और इस सरकार के पास इससे निपटने की क्षमता नहीं है। पाकिस्तान को चीन से पहले ही 2 अरब डॉलर की मदद मिल चुकी है। वित्त मंत्री इसाक डार के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात ने 1 अरब डॉलर तो सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर की मदद दी है। बीते दिनों खुले बाजार में $1 की कीमत 310 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई थी, जबकि 2022 के अप्रैल महीने में इमरान खान को हटाने तक $1 की कीमत 182 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर थी। इस साल अप्रैल के महीने में देश में रिकॉर्ड 36.4% मुद्रा स्फीति दर्ज की गई थी। इसके पीछे खाद कीमतों में आया उछाल सबसे बड़ी वजह माना गया था। यह दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा मुद्रा स्फीति है, जबकि खाद मुद्रा स्फीति 48.1% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान का निर्यात घट रहा है और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, पर कुछ ऐसा नहीं है कि इससे कोई भी सरकार अपने दम पर संभाल सकती है। देश को बचाने के लिए आर्थिक क्रांति की नहीं बल्कि मुल्ला क्रांति की जरूरत है, क्योंकि मुल्ला क्रांति के बाद पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में शांति आएगी। इसलिए यह वक्त मंद कसने का है और 9 मई की पुनरावृत्ति की बड़े पैमाने पर जरूरत है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।